आपके साथ तनवीर सूद। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन इस फिल्म में काम करने से रणबीर कपूर ने मना कर दिया है, जिसके बाद अब ये रोल विकी कौशल को मिल गया है। बता दें कि करण जौहर ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो तक नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म मुगलों पर बेस्ड होगी। फिल्म के लिए करण जौहर ने काफी सारे स्टार्स को कास्ट किया है। रणवीर सिंह और विकी कौशल के अलावा तक में करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, भूमि पडनेकर और जानवी कपूर जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रणवीर कपूर ने ये फिल्म क्यों छोड़ी? नहीं ना, तो चलिए हम बताते हैं आपको। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में रणवीर सिंह का रोल ज्यादा दमदार तो है ही, साथ ही फिल्म में उनका रोल रणबीर कपूर के रोल से काफी ज्यादा है। खबरों की माने तो रणबीर कपूर ने छोटे रोल की वजह से ही इतनी बड़ी फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर को डर था कि रणवीर सिंह जैसे पद्मावत में शाहिद पर भारी पड़ गए थे, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म से कन्नी काट ली। बता दें कि तक करण जौहर के करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म में रणवीर और विकी कौशल भाई भाई के रोल में होंगे। इसके अलावा रणवीर की प्रेमिका के रोल में आलिया होंगी, वहीं जानवी और विकी साथ साथ होंगे। तक की शूटिंग राजस्थान और गुजरात में होगी। बताया जा रहा है कि रणवीर फिल्म में पहले औरंगजेब के रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह फिल्म में दारा शिकोह के रोल में दिखाई देंगे। साथ ही अनिल कपूर शाहजहां के रोल में दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि ये फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी। वैसे आप करण जौहर की तक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।